सो क्या हाल है आप लोग के, होप करते हूँ आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वापस आ चुके हैं हम लोग मेरी गेमिंग चैनल में, जिसमें आज हम फिर से आ चुके हैं हाउस फ्लिपर में, और देखते हैं कि इस बार हमें नया क्या कंसाइनमेंट मिलता है। लेकिन उससे पहले आप लोग जाइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज इन सर का करते हैं। सो यार मुझे एक बात बताओ, तो मैं इस घर का फ्रेम थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कि मुझे ही लग रहा है थोड़ा इसका फ्रेम तो समझ में नहीं आ रहा, भूलू भलैया लग रहा है। एनीवेज जो भी है करते हैं, पर घर यार बहुत गंदा का रखा था, पहले इसकी सफाई करते हैं। घर के प्लास्टर व्लास्टर सारे झड़े हुए हैं, सब गिर चुके हैं। ऊपर से इस घर में यार सब कुछ बिखरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इस घर में भूकंप आया था। और काफ़ी छोटा, मतलब काफ़ी छोटा इन्होंने घर बना रखा है। आई थिंक 1 BHK घर होगा ये, आई थिंक सो, मुझे पता नहीं। सो फ्रिज जो है 238 डॉलर, काफ़ी महंगी चेयर बिक रही है यार ये। अच्छा एक और कोई चीज़ भी ना क्या? ओ भाई सबसे महंगी चीज़ ये बिकी है मेरी अब तक हाउस फ्लिपर में, सबसे महंगा सोफ़ा गया है 1600 का, $1600। वाओ। सो विंडो क्लीन करते हैं, ये तो जल्दी हो जाएगा। सो विंडो ने क्लीन कर दी है, और हमें करना है अब ये। काश इतना अच्छा मैं अपने घर की सफाई करता था, मेरे घर वाले मुझ पर खुश होते, क्योंकि मेरा रूम अगर आप देखोगे ना तो तुम लोग को लगेगा कि मुझे खुद एक हाउस फ्लिपर की जरूरत है। मैंने अपना रूम बहुत गंदा कर रखा है। मिडिल क्लास फैमिली में, भाई मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों के घर जो होते हैं वो रूम नहीं होता है। हम लोग बड़े घर, बड़े लोगों के घर में क्या होता है, जो रिच पर्सन होते हैं उनका एक खुद का रूम होता है। हम लोग का क्या होता है, हम लोग का स्टोर रूम में एक रूम होता है, हम स्टोर रूम में रहते हैं, तो वही मेरा रूम है अभी। काफ़ी छोटा ना यार इन लोगों ने वैसे घर बना रखा है। अब आखिरी गंदा मिल नहीं रहा, डस्ट कहाँ पे है वो, यहाँ तो नहीं है कोने में, वो रहा वो रहा वो रहा, वो देखो वो रहा कोने में। ए देखो कहाँ छुप के बैठे थे भैया। सो हमें करना है प्लास्टर, ओके तो प्लास्टर खरीद के यहाँ रखते हैं। डन, इसको यहाँ कर दिया। सो पहला प्लास्टर, ओके दूसरा प्लास्टर लगा, दूसरा प्लास्टर कहाँ लगाना है, अच्छा यहाँ पे, ठीक है तो दूसरा प्लास्टर यहाँ लगाते हैं। और चलो प्लास्टर काम हो चुका है, लेकिन उससे पहले हम पहले एक वो खरीद, ग्रे खरीदना, ग्रे ये रहा, ये ग्रे यहाँ कर दें, लेकिन उससे पहले मैं इस प्लास्टर को सेल करूँगा। भाई अकाउंट्स का बनना हो, कॉमर्स का, जो चीज़ आपकी काम करना हो उसको बेच दो, हम कबाड़ को ही बेच के पैसा कमाते हैं। सो यहाँ पे हम कर दिए पेंट, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है वैसे ग्रे पेंट, बनने की चॉइस अच्छी है। सो यहाँ पे भी इसको भी कर देते हैं, इसको भी लगाते हैं पेंट। और ये मुझे आज से समझ में नहीं आया है कि कौन सी टेक्नोलॉजी लगाते हैं कि हम पेंट करते हैं दीवारों को और बाकी चीज़ें भी हाईलाइट हो जाती हैं। ये देखो ये ऐसा रियल लाइफ में होता है क्या? कुछ भी भाई साहब, ऐसे रियल लाइफ में नहीं होता, सच्ची में गेम वो है, इमेजिनरी है, रियल नहीं है गेम में कुछ भी। तो उसको कर देते हैं, और यहाँ पे सो पेंट तो हमने इस साइड तो कर दिया है, अब दूसरी साइड देखिए दूसरी साइड कहाँ पे है। हाँ पेंट इतना है कि हो जाएगा, हमें नया पेंट बॉक्स नहीं खरीदना पड़ेगा, इसी में हो जाएगा। सो यहाँ पे लगा दिए हैं, अब यहाँ पे नीचे देखते हैं, ये भी कर दिया, अब वो नीचे वाला हिस्सा, अब कहाँ ये, अब पेंट लेता हूँ और देखना और कहाँ लगाना है, पीछे है क्या, पीछे पेंट हो रखा है यहाँ पे, अच्छा ये कोना बच गया था, ठीक है। सो हमने पेंट तो कर दिया, अब हमें लगाना है टाइल, टाइल हमें लगाना है ये सैंडेड, और टाइल को लगाते हैं फटाफट। टाइल तो है इजी, जल्दी लग जाता है, आपको टाइम लगता है मेनली डस्ट साफ करने में और आपका पेंट लगाने में, बाकी चीज़ें इसमें जल्दी हो जाती है, कुछ ज़्यादा जल्दी मतलब टाइम नहीं लगता है। तो सो ये भी हमारा हो चुका है कंप्लीट, तो बस लास्ट हो गया, टाइल हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमें करना है रिप्लेस करना है इसको, ठीक है। सो कर दिया, अच्छा हमें ब्लू कलर करना था, ओह सॉरी
नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, ब्लू कलर कर देते हैं। सो ब्लू कलर ये रहा। ओके तो हमको जाना है लिविंग रूम में डाइनिंग रूम टेबल। तो डाइनिंग रूम टेबल हमने यहाँ पर रखी थी जो हमने सेल कर दी थी। सो हमें यहाँ पे एक डाइनिंग रूम टेबल डालनी है। तो हम देखते हैं कौन सी डाइनिंग रूम टेबल डालें, कौन सी का जो ये बोलेगा वही डालना पड़ेगा। मैं अपने मन के थोड़ा कुछ कर सकता हूँ, इथेनल मैं तो यहाँ पे कुछ और डालता, इथेनल डाल देते ठीक है। थोड़ा इसको आगे की ओर करता हूँ, बस यहाँ पे चेयर लगानी भी देगी। अरे चेयर सिर्फ दो ही लगाना है, अरे फिर तो यार करने की जरूरत ही नहीं थी। सो एक चेयर को हम यहाँ से ये वर्कशॉप वाली थी ये रही, इसको हम थोड़ा पीछे की ओर लगाते हैं यहाँ पे बस। और एक और चेयर लेनी है, उसको हम यहाँ लगाते हैं, टर्न कर देते हैं यहाँ पे, नहीं इसके सामने लगाया तुम। हाँ और ये हमने कैंडल लाइट डिनर का कर दिया प्रोग्राम, भाई आप कैंडल लाइट डिनर करो। यहाँ पे हमें खरीदना है एक रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर कौन सा है, K2। ओके सो कहाँ रखूँ मैं, यहाँ नहीं रखता, पीछे रखता हूँ वहीं पे दीवार कोने में, क्योंकि वहाँ पे ना प्लगिंग है। सो प्रेग्नेंट, अच्छा सोफे का नाम सोफे का नाम प्रेग्नेंट कौन रखता है यार भाई सीरियसली भाई प्रेग्नेंट लिखा हुआ है यार, मैं पन्ना में गलत नहीं कर रहा हूँ, प्रेग्नेंट अबे यार कौन है ये लोग। सो इसको यहाँ पे टन लगा के यहाँ लगाए थे, मैं थोड़ा यहाँ से हट जाता हूँ बस। अभी जाना है बेडरूम में, सो बेडरूम में जाके देखते हैं भाई के बेडरूम में क्या क्या चेंज करना है हमें। सो ओह एक छोटा बेबी का भी यहाँ पे वो रख रखा है बेड, मतलब कि घर में एक छोटा बेबी भी है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, एक मिनट डस्ट यहाँ से हम क्लियर करते हैं। और हमें एक मिनट बेडरूम, हम बेड हमने हटा दिया है, हमें बेड एक इधर बेबी बेड तो ये रहने देना, हमें एक बेड पहले हमें सिस्टम चेंज करना है ये प्लग। सो हमें यहाँ पे स्विच चेंज करना है सिंगल में। ओके ओके 1 2 3 ये तो जल्दी लग जाते हैं, इसके नेट टाइट करता हूँ, ये लगाया इसको टाइट किया हो गया। दूसरा वाला देखते हैं उसका भी करते हैं, ये लगाया तीनों को टाइट किया, इन दोनों को लगाया और ये और बस। सो हमें स्विच से चेंज कर दिए, हमें तीसरा क्या चेंज करना है यहाँ पे, रिप्लेस क्या करना है। अच्छा अरे मैं भूल ही गया था, हर जगह तो एक फीलिंग से चेंज होती है हर बार, हमारा जब रिप्लेस करने को बोलेगा सबसे पहले फीलिंग्स चेंज करूँगा, क्योंकि अब तो कंफर्म हो गया कि हर बार फीलिंग्स तो चेंज होती ही होती है। यहाँ पे हमें डालना है एक डबल ट्रबल बेड जो कि ब्लैक कलर में, अच्छा डबल बेड ब्लैक डबल ट्रबल। ओह बेड का नाम कितना अजीबोगरीब भाई, कितना तगड़ा नाम रख रहेगा बेड का। यहाँ पर कर दिया पुट, हमें अब लगाना है एक सस्पेंडेड रेडिएटर, वो भी शॉर्ट की लॉन्ग चेक कर दो लॉन्ग। ओके तो इसको लगाते हैं, इसको टाइट मोटर चालू। सो यार जो आज हमें कंसाइनमेंट मिला था ना उसको हमने यार कंप्लीट कर दिया है, काफ़ी मतलब ठीक था, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, मेरे को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था। अब ये गेम ना थोड़ी बोरिंग हो सकती है क्योंकि मेरे साथ भी सीन हुआ इस गेम में, वो ये है कि मेरी गेम डिलीट हो गई थी गलती से, जिसके चक्कर में इस गेम में जितना ही प्रोग्रेस था वो सब ख़त्म हो गया, और इस गेम में अभी लॉगिन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा कि अपनी आईडी से वापस लॉगिन कर पाऊँ। सो मुझे वापस स्टार्टिंग से खेलना पड़ रहा है, जिस चक्कर में सारे बोरिंग बोरिंग कंसाइनमेंट्स मुझे चूज़ करना पड़ रहा है। सो कोशिश करूँगा कि अगली गेम में मैं फिर नया कंसाइनमेंट आऊँ और जल्दी से अपनी आईडी को लॉगिन कर दूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग जाइए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलता है आपको अगली गेम में नए कंटेंट से, तब तक इधर से आप सीख जा साइनिंग ऑफ।